हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आप देख रहे हो इनफील्ड पार्ट्स लाइब्रेरी में प्रवेश शर्मा। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आपकी रॉयल इनफील्ड बाइक में किस बाइक में कितना इंजन ऑयल डलता है। क्योंकि दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है हम बाहर सर्विस करा लेते हैं लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि हमारी बाइक में कितना इंजन ऑयल डलता है। और जहाँ हमारी बाइक में 2.3 लीटर डलता है बाइक में और हम 2.5 लीटर तक डलवा लेते हैं, बाहर के जो मैकेनिक्स होते हैं उनको भी मालूम नहीं होता कि रॉयल इनफील्ड की किस बाइक में कितना इंजन ऑयल डलता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज हम जानेंगे कि रॉयल इनफील्ड की किस बाइक में कितना इंजन ऑयल डलता है, कितने लीटर इंजन ऑयल डलता है, कौन से ग्रेड का डलता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं रॉयल इनफील्ड की क्लासिक बुलेट और इलेक्ट्रा स्टैंडर्ड यूसी इंजन। आपने सुना होगा दोस्तों, आपने बहुत सी बार सबके मुंह से सुना होगा यूएसी इंजन और जेएसी इंजन। तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, पहले जो BS4 बाइक्स आती थी हमारी रॉयल इनफील्ड की, उसमें यूएसी इंजन यूज होता, और अभी जो BS6 बाइक्स आ रही है उनमें जे सीरीज इंजन यूज होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो जे सीरीज इंजन है उसकी जो शेप है जे टाइप में है। आपने देखा होगा जो भी मिट्टी और हंटर बाइक्स आ रही है हमारी, इन सभी में जे सीरीज के इंजन है जिसकी शेप जे जैसी है, बिल्कुल जैसे जे बनता है उस टाइप की उसकी इंजन की सेप है। और जो यूसी इंजन है, यूसी इंजन की सेप यू जैसी है। दोस्तों, आपने बहुत सी बार सुना होगा यूसी इंजन, यूनाइटेड कंस्ट्रक्शन इंजन, ये हमारा BS4 बाइक्स में आता था रॉयल इनफील्ड की। जितने भी BS4 बाइक थी सबसे पहले यूसी रॉयल इनफील्ड में यूसी इंजन ही यूज होता था, और अभी जब से BS6 लॉन्च हुआ उसमें जेसी इंजन आने लगा है। तो दोस्तों, मैं बता दूं, आपकी रॉयल इनफील्ड की कोई सी भी बाइक हो अगर उसके अंदर यूसी इंजन है, यूसी इंजन में हमारा 2.3 लीटर इंजन ऑयल यूज होता है, सेमी सिंथेटिक 15W50 इंजन ऑयल यूज होता है। रॉयल इनफील्ड की आपके पास कोई सी बाइक हो अगर उसका इंजन यूसी इंजन है, यूनाइटेड कंस्ट्रक्शन इंजन है, तो उसमें 2.3 लीटर इंजन ऑयल डलता है। चाहे वो आपकी स्टैंडर्ड बाइक हो, बुलेट, इलेक्ट्रा बाइक हो, क्लासिक बाइक हो, थंडरबर्ड हो, या क्लासिक 500, थंडरबर्ड 500, इन सभी बाइक्स में जो इंजन ऑयल डलता है 15W50 सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल डलता है, जिसकी क्वांटिटी 2.3 लीटर लगभग 2300 ml इंजन ऑयल डलता है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं जे सीरीज इंजन की। रॉयल इनफील्ड के यूसी इंजन को बंद करने के बाद जे सीरीज इंजन में डेवलप कर देगा, जे सीरीज इंजन अभी आने लगा है। जे सीरीज इंजन में से मिट्योर बाइक्स आई है, हंटर बाइक आई है, रिबॉन क्लासिक आई है, और अभी हमारी बुलेट भी, पहले बुलेट यूसी इंजन में ही थी BS6 भी, लेकिन अब बुलेट को भी जे सीरीज इंजन में कन्वर्ट कर दिया गया। अभी बेसिकली यूसी इंजन को प्रॉपरली बंद कर दिया गया है रॉयल इनफील्ड ने। हमारी रॉयल इनफील्ड की कोई भी बाइक यूसी इंजन में नहीं आती। अब बात कर लेते हैं जे सीरीज इंजन। जे सीरीज इंजन जो हमारा हंटर मिट्योर, रिबॉन क्लासिक और न्यू स्टैंडर्ड, जो न्यू बुलेट आई है उसमें जे सीरीज इंजन आता है, तो इसमें कितना इंजन डलता है। तो दोस्तों, बेसिकली इसमें 1.7 लीटर लगभग 1700 ml हमारी जे सीरीज इंजन बाइक में इंजन ऑयल डलता है। जैसी इंजन में इंजन ऑयल की कैपेसिटी कम कर दी गई है, और एक फर्स्ट सर्विस की किट डलती है, उसमें हेड की पैकिंग डलती है, वो हेड की पैकिंग ऐड कर दी गई है। दोस्तों, यूसी इंजन का जो 2.3 लीटर इंजन डलता था और जैसी इंजन में 1.7 लीटर डलता है, लगभग आधा लीटर से ज्यादा, लगभग 600 ml के करीब इसमें इंजन ऑयल की, पहले 2.3 डलता था, 1.7 डलता है, 600 ml इंजन ऑयल अब जैसी इंजन में कम डलता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं हिमालयन की। बात हिमालयन बाइक में, जो अभी न्यू हिमालयन लॉन्च हुई है, इसमें 2.1 लीटर इंजन ऑयल डलता है, जो न्यू हिमालयन 450 cc में आती है, 450 cc में जो इंजन ऑयल आती है 2.1 लीटर इंजन ऑयल इसमें डलता है। और जो हमारी इंटरसेप्टर बाइक्स हैं 650 ट्विन स्पार्क, दो स्पार्क लगते हैं, ट्विन स्पार्क इंजन है वो, उसमें 3.1, जो हमारी जितनी भी हमारी 650 के इंजन है 650 cc में, जो भी इंजन है उस सभी में 3.1 लीटर लगभग 3100 ml इंजन ऑयल लगता है, चाहे वो हमारी कॉन्टिनेंटल GTO, इंटरसेप्टर हो, सुपर मिट्योर हो, या शॉटगन 650 हो, ये सभी बाइकों में 650 cc का कोई सा भी इंजन हो रॉयल इनफील्ड बाइक्स का, तो उसमें 3.1 लीटर इंजन ऑयल डलता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि हमारी जो पहले बाइक्स आती थी 500 cc में, क्या उनमें भी सेम इंजन ऑयल डलता है। तो दोस्तों, हाँ, 500 cc से मतलब नहीं, अगर आपका यूसी इंजन है 500 cc का हो या 350 cc का इंजन हो, उसमें सभी में 2.3 लीटर इंजन ऑयल ही डलता है।
और 650 सीसी आपकी कोई सी भी बाइक हो उसमें 3.1 लीटर इंजन ऑयल डलता है, चाहे वो सुपर मीटियोर हो शॉटगन 650 क्यों ना हो। और दोस्तों बात करें हम हिमालयन की, जो पुरानी हिमालयन आती थी, हिमालयन स्क्रैम होगी और नॉर्मल वाली हिमालयन जो आती थी उसमें कितना इंजन ऑयल डलता है, तो दोस्तों उसमें 1.8 लीटर इंजन ऑयल डलता है, 1.8 1800 ml उसमें इंजन ऑयल डलता है। जो पुरानी वाली हिमालयन है उसमें भी 1800 ml डलता है, जो हिमालयन स्क्रैम है उसमें भी 1800 ml इंजन ऑयल डलता है। सभी बाइक से हमारी रॉयल एनफील्ड की सभी बाइकों में सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल डलता है, लेकिन 650 में फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल का यूज किया गया है दोस्तों। सिर्फ 650 बाइक्स के इंजन में, जो 650 सीसी के इंजन बाइक्स हैं उसी में फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल का यूज किया गया, जो कि 10W40 होता है, बाकी सभी में सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल का यूज किया गया है। तो दोस्तों आगे से आप कभी भी किसी भी मैकेनिक पे या कहीं भी सर्विस सेंटर पे अपनी बाइक की सर्विस कराएं तो बेसिकली ध्यान रखें कि आपकी बाइक का इंजन कौन सा है। अगर आपने 2020 से पहले रॉयल इनफील्ड की कोई भी बाइक ली है तो उसका यूसी इंजन इंजन है, उस बाइक का इंजन है जो यूसी इंजन है। और 1 अप्रैल 2020 के बाद आपने कोई सी भी बाइक जिसमें किक नहीं है, बेसिकली BS6 में हमारी किसी भी बाइक में किक नहीं आई है, पहले किक आती थी लेकिन जिस बाइक में किक नहीं है वो BS6 बाइक है, सिर्फ स्टैंडर्ड बाइक को छोड़ करके। स्टैंडर्ड बाइक है जो हमारी BS6 में, उसके अंदर यूसी इंजन ही आया था, लेकिन अभी फिलहाल में इसका इंजन जैसे इंजन कर दिया गया, लेकिन स्टार्टिंग में जो यूसी इंजन ही था स्टैंडर्ड के अंदर। रॉयल इनफील्ड की जितनी भी BS6 बाइक्स हैं उसमें JCG इंजन है, सिर्फ स्टैंडर्ड को छोड़ करके, बुलेट स्टैंडर्ड को, उसके अंदर यूसी इंजन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।